ब्लॉग तो अभी बज रहे हैं दोपहर के कितने बज रहे हैं छोरी एक हाँ अभी बज रहे हैं दोपहर के एक और आज जो है शोएब का आ रहे हैं फरीदा के हस्बैंड जो है उसको लेने आ रहे हैं आज और रसम क्या बोलते हैं हमारे तो मांडा झाकना बोलते हैं वहाँ पे यहाँ पे बोलते हैं फिर मोड़ा हाँ फिर मोड़े की रसम है आज तो वो लोग आएंगे अभी और खाना वाना बन रहा है बाहर सब तैयार हो गए हैं अभी थोड़ी देर में बाकी सब गेस्ट नीचे बैठे हैं हम लोग ऊपर आए हैं यहाँ पे हाँ तो हम लोग ऊपर आए थे पिक्चर्स विक्चर्स क्लिक करने के लिए और आज शाम को जो है एक और भात है तो हम लोग यहाँ से फ्री होके वहाँ जाएंगे फिर वहाँ से सीधा घर जाएंगे आज ऊपर कर दे उसके स्लीव्स ऊपर कर दो ऊपर से ऊपर करना तो वहाँ भात अटेंड करके फिर जो है हम लोग घर जाएंगे आज रात को और आज फाइनली हम लोग घर जा रहे हैं फंक्शन सारे हो गए बस हो गया फोटोशूट तो ये है और आज का आउटफिट आज का चलो हाथ पकड़ के बड़ी क्यूट लग रहा है ये जो ड्रेस है ये ड्रेस सलीना खाला लेके आई है इसके लिए कल और आज मैंने पहना दी ऊपर मत कर दिखा अच्छा लग रहा है क्या वह दो तीन और मोड़ के अंदर से वो बांध दे फिर हाँ वह ठीक कैसे कर थोड़ी सी बड़ी साइज है इसकी पैंट भी मैंने अंदर की साइड उलट रखा है इसके ये देखो हमारी दूसरी हीरोइन चलिए और ये एक और ऑन ऑपी हम लोग ऊपर आए क्योंकि नीचे हॉस्टल हो रहा है पिक्चर्स क्लिक कराने हैं आ जाओ और ये ड्रेस मैंने जो है अपने शादी के बाद सिर्फ एक बार पहनी थी और एक बार बिकाने में थोड़ी देर के लिए पहनी थी उसके बाद मैंने एक बार भी ये ड्रेस पहनी नहीं और आज मैंने बहुत टाइम के बाद एटलीस्ट 2 साल बाद ये ड्रेस पहनी है इतनी प्यारी है ना मुझे इतनी पसंद थी ना लेकिन यहाँ पर पता नहीं कोई दिक्कत हो गई थी वो ठीक हो गई ड्रैगलिंग से तो इसके बाद अपना पहन सकती हूँ उसको जैकेट का दीदी अभी जस्ट दवाई दे के खाना खिला के दवाई दे के लाई हूँ नींद में हो रहा है जुकाम हो रहा है अभी ठीक नहीं है इसके अब थोड़ी देर रख लो है ना इसको टाइट सही है थोड़ी और टाइट कर दे सही है सर दर्द करो कोई बात तो नॉर्मली करो ठीक है पैरासिटामोल ले लो बर्दाश्त करना है ना दर्द बर्दाश्त करना मंजूर है लेकिन अच्छा लाग रही है ठीक है एक मिनट रुक पहले बोलती सास बन जाती वो तो कंफर्टेबल अरे बाप रे तक गई मैं सोचा था नींद आ रही है मेरे को सोचा क्या था अभी तो भात में और जाना शाम को ही ना और उसमें जाने की हिम्मत नहीं है मुझे सब ठीक हुई 3 दिन से बीमार पड़े मेरे तो जी आज जो है सब में इतनी कम एनर्जी बची है ना क्योंकि 6-7 दिन हो गए कंटिन्यू शादी के फंक्शन अटेंड कर रहे हैं और मौसम भी चेंज हो रहा था तो 2-4 लोग को बीमार भी पड़ गए थे थकान की वजह से आज सब लोगों के फेस भी थोड़े लटके वटके थे और मैं भी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी आज और आज लास्ट फंक्शन था शादी का फिर मोड़े का उसके बाद सब लोग अपने अपने घर जाने वाले थे हम लोग भी शाम को निकलने वाले थे अपने घर पर और ये फरीदा रेडी हो गई क्योंकि उसके ससुराल वाले सब लोग आ गए
थे इसको लेने के लिए, और इसका मेकअप वेकअप मैंने कर दिया था, तैयार व्यार कर दिया था इसको, और इतनी प्यारी लग रही थी ना माशाल्लाह ये इस ड्रेस में। ये शादी के बाद जितने भी इसने ड्रेसेस पहनी ना सब में ये बहुत प्यारी लग रही थी, और आज तो और भी प्यारी लग रही थी। और सब लोग बस थोड़ी देर में जाने वाली थी फरीदा, तो हम लोग सब बैठ के बातें बातें कर रहे थे, उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। फिर शाम को सब लोग अपने घर जाने वाले थे, और सब लोग कमेंट में पूछ रहे थे कि आपने दूल्हे की वीडियो फोटोज़ नहीं दिखाई है। तो जी ये है हमारे दूल्हे राजा, लेकिन ये बिल्कुल भी जो है इतने शर्माते हैं ना, ये इन्होंने बिल्कुल गर्दन ऊपर नहीं की जब तक हम लोग यहाँ इनके सामने बैठे थे, तो इस वजह से भी मैं इनकी ठीक से रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। ये बहुत ज़्यादा शर्माते हैं इस वजह से, और हम लोग ऐसे खड़े थे ना इनके पास में तो इनको और ज़्यादा शर्म आ रही थी। तो इसके थोड़ी देर बाद जो है मैं जाके बेड पे लेटी, और मुझे कब नींद आई मुझे पता ही नहीं चला, और फिर फरीदा भी जा चुकी थी उसके पीछे से। फिर मैं उठी, फिर हम लोग जो है निकल गए थे दूसरे भात के लिए, और वो हम रात को 8 बजे के करीब पहुंचे थे, और ये मम्मी के रिलेशन में ही है तो उनके यहाँ गए थे हम लोग। तो इनके यहाँ भात का फंक्शन था प्लस खाना था, तो हम लोगों ने थोड़ा सा फंक्शन अटेंड किया, खाना खाया, फिर हम लोग हाथों हाथ निकल गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। 9 बज गए थे और सब लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, सच बात तो ये है। तो इस वजह से भी हम लोग फटाफट से निकल गए थे खाना खा के, और मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई आज के पूरे दिन में ज़्यादा। थैंक यू। अच्छा।